हेलो ऑल माय नेम इज कृष्ण एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सो गाइस हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं और कंटिन्यू करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स प्लेलिस्ट और आज का टॉपिक रहेगा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें तीन मेन टॉपिक्स है वो है मीन मीडियन मोड हम लोग इस चीज़ समझेंगे हम लोग ऑब्वियसली ये टेंथ स्टैंडर्ड एट स्टैंडर्ड नाइन्थ स्टैंडर्ड में देख चुके हैं बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में देख चुके हैं बट ये एक बेसिक चीज़ है आपको ईडीए फीचर इंजीनियरिंग करने के लिए क्योंकि काफ़ी जगह बहुत जगह यूज हो सकता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक्स तो हम लोग इसका बेसिक्स फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग रखना बहुत ही ज़रूरी है ठीक है तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहली बात तो डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आप सेंट्रल टेंडेंसी को कैसे डिफाइन करते हैं तो यहां पे आप देखिए सेंट्रल टेंडेंसी रिफर्स टू द मेजर यूज टू डिटरमाइन द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा अगर मेरे पास एक डेटा है ठीक है तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या बोलता है कि भाई हम एक ऐसा वैल्यू निकाले जो रिप्रेजेंट कर पाए ये सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा और वो सारा टेक्निक्स हम लोग जो जो यूज कर सकते हैं उसको बोलते हैं मीन मीडियन मोड ठीक है अब चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल थोड़े इसमें अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं समझिए हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ ऐसे टाइप का वन टू टू थ्री फोर फाइव ठीक है तो अगर मैं मीन लेता हूं मीन मीन मतलब क्या है ठीक है मीन मतलब एवरेज राइट मीन मतलब एवरेज और यूजुअली हम लोग कभी भी ये चीज डिस्कशन करते हैं मीन मीडियन मोड के हिसाब से तो हमको दो डेटा के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ता है एक है पॉपुलेशन डेटा पॉपुलेशन डेटा और एक है आपका सैंपल डेटा तो मैं हमेशा इस तरीके से ही सारे फॉर्मूलाज आगे के लिखाऊंगा सो so दैट आप लोगों को बहुत ही कन्वीनियंस हो ये सारा चीज समझने के लिए तो पॉपुलेशन डेटा को मैं हम 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 लोग यूजुअली कैपिटल एंड में देते हैं और सैंपल डेटा को स्मॉल एन में देते हैं तो अगर मैं मीन का बात करूं जहां पे पॉपुलेशन डेटा के हिसाब से अगर मैं मीन यहां पे डिनोट करूं तो यहां पे हम लोग इसे म्यू जैसा डिनोट करते हैं ठीक है तो ये सिंबल हम लोग यूजुअली यूज करते हैं और ये सारे सिंबल्स थोड़े इंपॉर्टेंट है इज बिकॉज ये ग्लोबली लोग यूज़ करते हैं सिंबल्स को रिसर्च बुक्स बुक्स स्टैटिस्टिक्स बुक्स डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में ऐसे टाइप के सिंबल्स यूज होते हैं तो अगर आप ऑफिस में भी प्रॉब्लिक काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स में भी काम कर रहे हैं जब आप डिस्कशन करते हैं आप यूजली इस टर्मिनोलॉजी से बात करेंगे जैसे पॉपुलेशन मीन सैम्पल मीन है ना तो ये सारा चीज़ आपको पता होने के लिए बहुत ही जरूरी है तो ये वाला सिंबल जो मैं बोल रहा हूँ इसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन मीन पॉपुलेशन मीन और पॉपुलेशन मीन मतलब हम लोग बेसिकली एक एवरेज फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसका फॉर्मूला काफी सिंपल है गाइस हम लोग करेंगे ऑफ टू कैपिटल क्योंकि है पॉपुलेशन डेटा का साइज ठीक है और यहां पे हम लोग करेंगे बस एक्स ऑफ आई डिवाइडेड बाय कैपिटल एन ठीक है तो ये रहा सिंपल सिंपल पॉपुलेशन मीन का एग्जाम्पल सॉरी फॉर्मूला और समझिए अगर इसमें हम लोगों को फॉर्मूला अप्लाई करना है तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं सम्मिशन ऑफ एक्स ऑफ आई फ्रॉम आई इज इक्वल टू वन टू एन ठीक है of of I, I to to N, पूरे के पूरे एलिमेंट्स को हम लोग सम्मिशन कर रहे हैं डिवाइडेड बाय एन एन मतलब कितने नंबर्स हैं इधर पॉपुलेशन डेटा में ठीक है ऐसे ही हम अगर सैम्पल डेटा को रिप्रेजेंट कर पाए तो हम लोग यूजली एक्स बार यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समिशन ऑफ आई इज इक्वल टू वन टू स्मॉल एन एक्स ऑफ आई डिवाइडेड बाई स्मॉल एन अब एक्स ऑफ आई क्या है अगर मैं इसको एक्स एज अ रैंडम वेरिएबल बोलूं तो एक्स ऑफ वन ये एलिमेंट हो गया एक्स ऑफ टू ये एलिमेंट हो गया एक्स ऑफ थ्री एलिमेंट हो गया एक्स ऑफ फोर ये एलिमेंट हो गया ठीक है तो यूजुअली हम लोग मीन जब भी कोई डेफिनेशन हम लोग डिफाइन करते हैं आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा इसको पॉपुलेशन डेटा के हिसाब से भी देखें और सैम्पल डेटा के हिसाब से भी देखें क्योंकि आगे जो टॉपिक्स हैं जो जिसे हम लोग बोलते हैं वेरियंस और स्टैंडर्ड डिविएशन उसमें ये वाले फॉर्मूलास थोड़े डिफाइन थोड़े चेंज होंगे फॉर अ पॉपुलेशन थोड़ा डिफरेंट फार्मूला होगा फॉर सैंपल डिफरेंट फॉर्मूला होगा बहुत ही माइन्यूट चेंज है तो इसीलिए हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे तो चलिए अब नेक्स्ट वाला हम लोग लेते हैं यही वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो ये रहा मेरा वन टू टू थ्री फोर फाइव तो अगर मेरे को लेट्स कंसिडर दैट ये मेरा पॉपुलेशन डेटा है ठीक है ये मेरा पॉपुलेशन डेटा है प्रैक्टिकली पॉपुलेशन डेटा इतना छोटा नहीं होता है बट मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूं और चलिए हम लोग इसका एवरेज फाइंड आउट करते हैं तो एवरेज हमारा मीन होगा और हम लोग सारे एलिमेंट्स ऐड करते जाएंगे वन प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस सॉरी टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव और टोटल डिवाइडेड बाय सिक्स एलिमेंट्स ठीक है 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब मैं इसको एडिशन करता हूँ फाइव प्लस आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ सेवनटीन बाई सिक्स सॉरी सेवनटीन डिवाइड बाई सिक्स तो ये रहा मेरा टू पॉइंट एट थ्री थ्री अब मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ कि मेरा मीन टू पॉइंट एट थ्री थ्री है तो ये मीन वैल्यू जो ये डेटा है ये बेसिकली एज अ सेंट्रल टेंडेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन को एक सेंट्रल एलिमेंट जैसा रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस स्पेसिफिक डेटा सेट को तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा हो और ये रहा स्पेसिफिक डेफिनेशन बट अभी हमारे पास दो और टॉपिक है जिसे हम लोग बोलते हैं मीडियन और मोड तो सेकेंड वाला टॉपिक अगर मैं चलू मीडियन ठीक है मीडियन अब चलिए हम लोग मीन के हिसाब से ही चलते हैं पहली बात तो वही सेम डेटा सेट ले लेंगे या थोड़ा डेटा सेट में चेंज कर देते हैं थ्री फोर फाइव ठीक है अब इनिशियली जब मेरा ये डेटा सेट था आप जब देखे थे वन टू टू थ्री फोर फाइव और यहाँ पे हम लोगों को क्या मीन क्या मिला था हमको मिला था टू पॉइंट एट थ्री ठीक है आई होप आई एम राइट टू पॉइंट एट थ्री ठीक है अब चलिए हम एक काम करते हैं इसमें ना एक और एलिमेंट ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ फाइव के बाद मैं यहाँ पे एक बड़ा सा एलिमेंट ऐड कर देता हूं जैसे हो गया हंड्रेड अब मैं अगर इसका मीन कैलकुलेट करने जाऊं तो मीन क्या होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ठीक है तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दू सेवन से तो क्या होगा यहाँ पे आप देखिए तो हमारा होगा थ्री प्लस टू फाइव सेवन एट एट प्लस सॉरी फाइव सेवन एट ट्वेल्व सेवनटीन हंड्रेड एंड सेवनटीन डिवाइड बाई सेवन तो वन वन सेवन डिवाइडेड बाई सेवन अगर मैं कर दूं तो आप यहां देखिए आपका वैल्यू होता है सिक्सटीन पॉइंट सेवन वन तो इसका मीन का वैल्यू हमारा हो जाता है सिक्सटीन पॉइंट सेवन वन ठीक है अब देखिए यहाँ पे जो है काफी ह्यूज डिफरेंस है बिकॉज ये नंबर एक ऐड हो गया और इस नंबर को हम स्पेसिफिकली आउटलायर बोलेंगे ये नंबर को कैसे हटाते हैं आउटलायर्स को कैसे हटाते हैं वो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे बट आप समझिए कि ये एक नंबर ऐड करने के चलते आपका मीन का वैल्यू कंप्लीटली चेंज हो रहा है ठीक है तो इस केस में अगर कोई अलग टेक्निक हो जिससे हमारा मीन में ज़्यादा डिफ्रेंसेस ना हो बिकॉज ऑफ दिस आउटलायर तो उस में हम लोग मीडियम यूज करेंगे अब मीडियम केस में क्या होता है कि मीडियम पहले बोलता है कि भाई तीन स्टेप्स है मीडियम में ठीक है फर्स्ट आपको बोलेगा सॉर्ट ऑल द नंबर सॉर्ट ऑल द नंबर्स ठीक है सेकेंड स्टेप में ये बोलेगा फाइंड द सेंट्रल एलिमेंट फाइंड द सेंट्रल सेंट्रल एलिमेंट ठीक है अगर वो ऑड है तो हम लोग क्या करते हैं जैसे अगर मैं इसका एग्जाम्पल ले लू चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं वन टू टू थ्री फोर फाइव हंड्रेड अब आप यहाँ देखिए फर्स्ट स्टेप तो ऑलरेडी सेलेक्टेड ऑलरेडी सॉर्टेड ही है सारे एलिमेंट्स सो वी आर वेरी गुड टू डू इट्स उसके बाद फाइंड द सेंट्रल एलिमेंट बट ये सेंट्रल एलिमेंट के केस में दो कंडीशन आते हैं अगर ऑड लेंथ है फॉर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स और इवन लेंथ है फॉर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स अब यहाँ पे तो आप गिनिए एलिमेंट्स कितने सारे हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अब यहाँ पर सेवन एलिमेंट्स है आपके पास और सेवन एलिमेंट्स का आपको सेंट्रल एलिमेंट ढूंढना है तो सेवन एक ऑड लेंथ है राइट ऑड लेंथ है अब जब ऑड लेंथ होता है तो आपको सेंट्रल एलिमेंट ढूंढने बहुत इजी हो जाता है कि ये वाला रहेगा डेफिनेटली मेरा सेंट्रल एलिमेंट और ये मेरा वैल्यू होगा मीडियन का ठीक है मीडियन का मीडियन इज इक्वल टू थ्री अगर समझिए मैंने एक और वैल्यू ऐड कर दिया और मेरे पास एक और डेटा सेट है ठीक है एक और डेटा सेट है जहां पे मैं स्पेसिफिकली इस तरीके से लिख देता हूं वन टू टू थ्री फोर फाइव हंड्रेड एंड हंड्रेड एंड वन ठीक है एलिमेंट्स कितना है यहाँ पे एड है एट है सॉरी और ये हमारा इवन लेंथ है ओके इवन लेंथ है अब जब इवन लेंथ होता है तो ऑब्वियसली हमको सेंट्रल एलिमेंट्स जो ढूंढना है जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो सेंट्रल एलिमेंट हमारा ये दो आएगा राइट दो आएगा थ्री एंड फोर मैं फिर से ये ड्रॉ कर देता हूं मेरा दो एलिमेंट्स आएगा थ्री एंड फोर क्योंकि यहां पे थ्री एलिमेंट्स है यहां पे थ्री एलिमेंट्स है तो जब भी हमारा दो एलिमेंट ऐसा आता है तो हमको इसका एवरेज करना पड़ता है थ्री प्लस फोर डिवाइड बाई टू विच इज नथिंग बट थ्री पॉइंट फाइव ठीक है अब इस दोनों के केस में देखिए यहां पे मैंने दो आउटलायर ऐड किया है यहाँ पर मैंने सिंगल आउटलायर ऐड किया मेरे पहले वाला मीन जब ये आउटलायर नहीं था तब टू था बट इवन दो अभी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट दो दो आउटलायर है तो इसका मीडियम का वैल्यू देखिए आप बहुत ही कम चेंज हुआ है 2.83 से 3 या 3.5 हुआ है आप पहले देख रहे थे कि ये 16.71 हुआ था राइट तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है मीडियन और इसका फंक्शनैलिटी डेफिनेटली एक पॉइंट ऑफ टाइम से आपको प्रिवेंट करता है आउटलायर से या आउटलायर का इंपैक्ट और डिस्ट्रीब्यूशन में लाने के लिए तो इसीलिए मीडियन को भी हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं और आई होप आप लोगों को समझ में आया कि मीडियन को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं अब आखिरी पॉइंट जो है हमारा मोड का ठीक है तो मोड में द थर्ड पॉइंट मोड मोड बहुत ही सिंपल है यहां पे हम लोग मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स ढूंढते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स ढूंढते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स ढूंढते हैं ठीक है और यहाँ पे बहुत ही सिंपल है उसके बाद मैं यूज केसेस के बारे में भी बात करूंगा आप, आपको काफी अंडरस्टैंडिंग इसका हो जाएगा तो अगर समझिए मेरे पास एलिमेंट्स होते हैं जैसे वन टू वन टू टू थ्री 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 फोर फोर पाइव 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 ठीक है अगर ऐसे एलिमेंट्स है तो यहाँ पे मोड में क्या करता है ऑब्वियसली ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ढूंढने की कोशिश करता है बट यहाँ पे मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स को ढूंढता है अब यहाँ पे आप देखिए फाइव है मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स फोर टाइम रिपीट हुआ है थ्री थ्री टाइम्स रिपीट हुआ है टू दो टाइम रिपीट हुआ है फोर दो टाइम रिपीट हुआ है ठीक है तो इसमें क्या करता है वो सेलेक्ट कर लेता है फाइव क्योंकि मोस्ट फ्रिक्वेंटिंग एलिमेंट्स मोस्ट फ्रिक्वेंट एलिमेंट्स फाइव है तो इसलिए वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इस डिस्ट्रीब्यूशन में फाइव को ले लेगा ठीक है इतना ही चीज है चेंजेस है मोड में और ये आपका स्पेसिफिक डिफरेंस हो गया मीन मीडियन मोड अब आप मोड कब यूज करना चाहेंगे मीन कब यूज करना चाहेंगे समझ लीजिए गाइस कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा अगर हम बाद में आगे बात करेंगे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे होता है ठीक है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कुछ अलग अलग टाइप का होता है और अगर आप हम स्पेसिफिकली मैं जैसे बोला अगर आपको आउटलायर्स को टेक करना है तो आप डेफिनेटली यूज करिए मीडियन ठीक है बट इसके आगे भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आगे डिस्कशन करूंगा आगे वाले वीडियो में मोड कब आप यूज करिएगा अगर समझिए आपका कुछ कैटेगरिकल फीचर होता है कैटेगरिकल फीचर ठीक है कैटेगरिकल फीचर जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ समझिए मेरे पास एक डेटा सेट है मेरा ये डेटा सेट है एज मेरा डेटा सेट और आगे होगा वेट और मैं यहां पे जेंडर लिख देता हूं मेल एंड फीमेल ठीक है जैसा मेल फीमेल वेट में भी मेरा कुछ वैल्यूज़ होंगे कुछ मिसिंग डेटा होगा वन सॉरी वन ट्वेंटी एट पॉइंट्स लिख रहा था मैं सेवेंटी एट के जीज़ एटी के जीज़ एटी टू के जीज ऐसे एज में हमारा वैल्यूज़ है ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव और थोड़े मिसिंग वैल्यूज़ है ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ऐसे ऐसे बोल के डेटा है ठीक है अब एज हम लोगों को पता है कि ये एज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ये क्या है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आप उसका वरी मत करिए मैं आगे सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा तो जब भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बोलता हूं तो मैं ऐसा बेलकव आता है जब भी मैं एज का हिस्टोग्राम और प्रॉब्लिटी डेंसिटी फंक्शन बनाऊँ तो इस केस में मैं ऑब्वियसली ये अगर मिसिंग वैल्यूज को रिप्लेस करना है तो मैं इस सब का, सारे एज का मीन वैल्यू कैलकुलेट करूंगा और यहाँ पे सारा चीज़ रिप्लेस कर दूंगा ठीक है ऐसा यूजली होता है वेट के, के केस में भी मैं मीन या मीडियम मोड यूज कर सकता हूं अगर मेरे पास एज में बहुत सारे आउटलायर्स हैं तो मैं ऑब्वियसली मीडियम में जाऊंगा टू फाइंड आउट द सेंट्रल एलिमेंट है ना अब जेंडर के, के केस में भी आपका ऐसा हो सकता है कि मिसिंग वैल्यूज हो सकते हैं अब इस पर्टिकुलर केस में मैं यूजली प्रिफर करूंगा मोड यूज करने का क्योंकि मोड में क्या होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग एलिमेंट्स होते हैं ठीक है तो जहां पे ज्यादा करिंग एलिमेंट्स हो गया वो मिसिंग वैल्यू समझिए वाले डेटा सेट में मेल ज्यादा रिपीटिंग है तो ये रिप्लेसिंग वैल्यू सारा मेल से रिप्लेस हो जाएगा ठीक है और वो डिपेंड करता है कि आपका आ, कितने आउटलायर्स हैं कितने ये हैं और वेदर डैट डेटा सेट इज बिकमिंग कंप्लीटली बैड बहुत सारे चीज हैं इसमें आ, अभी काफी हम लोग इनिशियल स्टेजेज हैं इन स्टैटिस्टिक्स और ये सब समझने के लिए अभी और टाइम लगेगा तो मैं और डिटेली बाद में बताते रहूंगा बीच बीच में बट आई होप आप लोगों कोई वीडियो समझ में आया हो प्लीज़ मेक श्योर करिएगा सब्सक्राइब करिएगा चैनल को प्रेस करिएगा बिल नोटिफिकेशन आइकन को आई सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो एव ए ग्रेट डेट थैंक यू एंड ऑल बाय